कुरहन्नी की जनता क्या चाह रही है, क्या देखकर वोट देगी? कुरहन्नी की जनता चाह रही है लोकलेटी उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ऐसा गठबंधन को सरकार। क्या देख कर गठबंधन की सरकार बनाएंगे? हमको गठबंधन में बहुत सा विकास हम देख रहे हैं जी। मोदी जी लेखा हवा हवाई में हम लोग नहीं चल रहे हैं। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा विकास कुढ़नी में हुआ है तो मनोज कुशवाहा जी के रीजन में हुआ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे रोड हो, नाला हो, पोखरी तालाब सब के। किसका समर्थन देंगे? मनोज कुशवाहा। तो आपको क्या लगता है कि मनोज कुशवाहा कुढ़नी का बेटा है? जी जी जी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के कैंपेन में निकले हैं यह जानने के लिए कि आखिर कुढ़नी की जनता क्या चाहती है। इस वक्त हम पहुंचे हैं कुढ़नी विधानसभा के सकरी सरैया पंचायत में, जहां पे कुछ लोग हमारे साथ हैं और मनोज कुशवाहा के ये लोग समर्थक हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि आखिर मनोज कुशवाहा को कैसे कैसे किन किन समाजों के लोगों से समर्थन मिल रहा है। जानना जरूरी है कि पिछले बार भी दो बार लगातार मनोज कुशवाहा इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व किए हैं और इस बार जनता को उनसे क्या उम्मीद है। क्या नाम है आप नेता जी का, आप ही लग रहे हैं सबसे पहले? हाँ, मेरा नाम श्रीनिवास राय हुआ। अच्छा, तो इसे क्या लग रहा है, कुढ़नी की जनता क्या चाह रही है, क्या देखकर वोट देगी? कुढ़नी की जनता चाह रही है लोकलेटी उम्मीदवार मनोज कुशवाहा ऐसा गठबंधन को सरकार। गठबंधन की सरकार जी। क्या देखकर गठबंधन की सरकार बनाएंगे? हमको गठबंधन में बहुत सा विकास हम देख रहे हैं जी। मोदी जी लेखा हवा हवाई में हम लोग नहीं चल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी का काम अभी हवा हवाई में चल रहा है। लेकिन कह रहे मोदी जी का काम हवा हवाई था, सही बात है क्या? सही बात बोले, मोदी जी का काम सब हवा हवाई है। तो क्या ऑप्शन निकालेंगे, मोदी जी का काम हवा हवाई था तो किसको, कुढ़नी की जनता क्या चाहती है? कुढ़नी की जनता चाहती है यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार जीते और महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जीतेंगे। आज तक जितने भी विधायक हुए उसमें सबसे ज्यादा विकास कुढ़नी में हुआ है तो मनोज कुशवाहा जी के रीजन में हुआ, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे रोड हो, नाला हो, पोखरी तालाब सब के क्षेत्र। आप लोग सब एक तरफ आ जाते हैं, हमको दिखाना है कि वाकई मनोज कुशवाहा का समर्थन है या नहीं है। एक तरफ सब लोग हो तो देखिए, इन लोगों से हम यह जानने की कोशिश करेंगे वाकई में और जमीनी स्तर पे मनोज किसका समर्थन देंगे। मनोज कुढ़नी का नेता ही होगा, कुढ़नी का बेटा होगा, कुढ़नी का नेता। कुढ़नी का बेटा होगा, कुढ़नी का नेता। बाकी लोग कुढ़नी का बेटा नहीं है? नहीं है, बाकी लोग नहीं है, यहाँ का तो है। तो आपको क्या लगता है कि मनोज कुशवाहा कुढ़नी का बेटा है? जी जी जी। क्या देख के वोट देंगे आप? क्या देख के? विकास देख के देंगे वोट उनको। विकास देख, विकास की विधायक दो बार थे, दो बार, एक बार मंत्री भी विधायक काम किए थे, काम बहुत अच्छा, खुश है, बहुत खुश है। इसका मौका मिलना चाहिए, एकदम मिलना चाहिए। क्या लगता है सर, युवाओं की क्या इसका विचार है, युवा किधर जाएगी, क्या देख करके युवा वोट करेगी? सारा युवा महागठबंधन के साथ है। क्या देख कर महागठबंधन को वोट करेगी, सवाल तो ये उठता है ना। अति में जो है विकास बहुत ज्यादा हुआ है, जो सारा युवा को उसमें विश्वास है, युवाओं की रुख भी महागठबंधन की तरफ से सारा। पिछले बार भी मनोज कुशवाहा जो है कि यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं, क्या उनके कार्यकाल जो बढ़िया था? बहुत ज्यादा अच्छा था, इसलिए सारा युवा उनके साथ है। युवा सर, क्या लग रहा है सर, किस इस बार कुढ़नी की हवा किधर चलेगी, क्या लग रहा है? महागठबंधन के साथ है कुढ़नी की जनता, सभी लोग हैं महागठबंधन के साथ। अच्छा, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि महागठबंधन जमानत भी नहीं बचा पाएगी। बीजेपी वो जुमलेबाजी पार्टी है जी। बीजेपी पहले अपना देखे कि वो अपना जमानत बचाते हैं कि नहीं। यहाँ से महागठबंधन 20,000 वोट से जीतेगी। 20,000 वोट से? सुन लीजिए, आज ही एकदम यह दावा है 20,000 वोट से भाई साहब ने दावा किया है महागठबंधन को जीतने का। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगी तो इसी प्रकार से हम चिल्ला चिल्ला कर बताएंगे कि आखिर कितने वोटों का अंतर चला है, क्या सर बताएंगे ना? एकदम बिल्कुल बताएंगे। आप लोग SBSC आपसे सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे ना? चलिए कुछ और हमारे भाई लोग। सर, किधर की हवा चलेगी इस बार महागठबंधन? महागठबंधन की हवा चल रही है एकदम एकदम जोरों से, क्योंकि केदार जी ये आप लोग क्या कर दिए है बेकार। कुढ़नी का नेता, कुढ़नी का बेटा होगा मनोज कुशवाहा। महागठबंधन जिंदाबाद, मनोज कुशवाहा जिंदाबाद। ऐसा बात बोल दिए है कि हम कैमरा पे रिपीट तो कर नहीं सकते हैं। लोग कहेंगे कि भाई मनोज कुशवाहा के रैली में आके फिर हम वो कर रहे हैं, इसलिए आप जो बोले वो हम रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन जनता का मूड है और यही चुनाव में देखने को मिलता है कि जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों पे वोट करेगी और क्या देख के जनता अपना। चूंकि भाई साहब एक बड़ी बढ़िया आपने बात कहा है कि जो बेटा होगा वो नेता होगा, पहले बढ़िया बेटा बनना पड़ेगा, नेता अपने आप बढ़िया बन जाएगा, ऐसा ही है ना? तो जी मुखिया जी, किस पंचायत के मुखिया जी है? इसी पंचायत के। अच्छा, जनता ने वोट देके आपको जनप्रतिनिधि बना दिया, अब जनप्रतिनिधि एक जनप्रतिनिधि बनाने के लिए मैदान में खड़े, क्या लग रहा है, हवा क्या चल रही है? बिल्कुल एक तरफा हवा है।
एकदम एक तरफा हवा है। बिल्कुल, यह तो ए टू जेड का पार्टी है, बिल्कुल जो है ए टू जेड का पार्टी है। तो ए टू जेड, अच्छा देखिए सवाल तो आपसे खड़े होंगे चूंकि आप जनप्रतिनिधि है, ए टू जेड की पार्टी तो क्या यहाँ पे ए टू जेड लोग शामिल है ज्यादा, बताइए तो आप क्या करेंगे यहाँ ए टू जेड है सब लोग, ए टू जेड लोग यहाँ देख रहे हैं, एक समुदाय का आदमी नहीं है, हर समुदाय का आदमी है और पूरे थाना का आदमी है समझे, जो भी उनका कार्य करता है हर जात हर अति से आदर से, हर जाति हर समाज हर परिवार से मतलब आपको वोट मिल रहा है मनोज कुशवाहा। बिल्कुल, आप सकरी सरैया पंचायत के आप मुखिया है, कैसा पंचायत का कैसा मूवमेंट है, पंचायत की जनता क्या मनोज कुशवाहा को स्वीकार कर रही है जनप्रतिनिधि के रूप में, विधायक के रूप में? हम जो है मुखिया पति हुए और पूर्व प्रमुख हुए। अच्छा, पूर्व प्रमुख कोहनी प्रखंड के जी, और जिस समय हम प्रमुख बने थे उस समय भी मनोज कुशवाहा जी मंत्री थे, मेरा जो है उन्हीं का बहुत बड़ा योगदान है कि हमको प्रमुख भी बनाए थे। और अभी अभी तो कुरहन्नी से हम लोग टेलर चालू किए हैं, फिल्म बाकी है, पूरा फिल्म बाकी, फिल्म में क्या क्या दिखाने वाले हैं जो है आपको पता होगा जब पत्रकारिता कब कर रहे हैं कि अभी पूरा मुखिया समाज जो है पूरा मुजफ्फरपुर जिला का, अभी हम लोग दिल्ली में धरना दिए थे जंतर मंतर में, और धारणा दिए थे गरीब जनता के लिए, हम लोग जो यहाँ बीजेपी का बड़का झूठा पार्टी का जो विरोध कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि उसका कोई बेस नहीं है, खाली झूठ बोलता है। अगर शुरू से उठा लीजिए तो महंगाई सबसे ज्यादा है, नौजवान बेरोजगार हो गया है, कोई कार्य नहीं है, इसलिए हम लोग एक तरफा मनोज कुशवाहा को 20,000 प्लस वोट से जिताएंगे, 20,000 का दावा था, प्लस वोट से जिताएंगे, कोई जाति कोई धर्म नहीं होगा, एक होगा विकास का मुद्दा, एक ही मुद्दा होगा, एक मुद्दा होगा विकास का। अच्छा, ऐसे में सवाल एक अहम उठता है, अभी पूर्व में भी जो है कि प्रतिनिधि रहे, अभी भी है मनोज कुशवाहा जी प्रतिनिधि रहे, तो जब उनकी पिछली कार्यकर्ता की आप लोग संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं रहते तो इतना जो है दो टर्म रहने के बाद फिर भी इतना कार्यकर्ता उनके पीछे कैसे रहता। और हम मुखिया पूरे जिला संघ, हमारे मुखिया भी आए हुए, आइए अशोक जी, हमारे पंचायत प्रखंड के ये मुखिया के अध्यक्ष हुए जी, मुखिया संघ का अध्यक्ष है, मुखिया संघ का चुका, अभी तक मुखिया जी से बात कर रहे, मुखिया संघ के अध्यक्ष ही आ गए, तो सर आपसे बात क्या लग रहा है कुरहन्नी की जनता क्या चाहे, पूरे कुरहन्नी के आप जनप्रतिनिधि के जनप्रतिनिधि है, क्या लग रहा है कुरहन्नी की जनता क्या चाहती है? देखिए कुरहन्नी की जनता चुनाव लड़ रही है, मनोज कुशवाहा चुनाव नहीं लड़ रहे इस बार, कुरहन्नी की जनता चुनाव लड़ रही है, कुरहन्नी की जनता चुनाव लड़ रही है। और साफ साफ आपको बता देना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर जिला का इंदिरा आवास खा गए मोदी जी, इंदिरा आवास खा गए मोदी जी, सेंट्रल गवर्नमेंट खा गई। अच्छा, हम लोग मुजफ्फरपुर से दिल्ली तक जंतर मंतर पर गए हैं, आपको मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ होगा, मेरे लोकसभा मुजफ्फरपुर जिला में दो लोकसभा क्षेत्र है और दोनों बीजेपी के एमपी हैं, एक लोजपा से और बीजेपी से हैं, उसके बावजूद भी मुजफ्फरपुर जिला आवास से वंचित रह गया, ये कितना निंदनीय बात हो सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कुरहन्नी की जनता को बताना चाहता हूँ कि मेरा नहीं लड़ाई है और ये लड़ाई मनोज कुशवाहा की नहीं है, कुरहन्नी की गरीब गुरबा की लड़ाई है, कुरहन्नी की जनता की लड़ाई है। और इस बार कुरहन्नी से बीजेपी के उम्मीदवार को इतना भारी अंतर से जीत हार के भेजना होगा, जाएंगे यहाँ से, इसका कल्पना भी नहीं की। कुछ युवा बता रहे हैं कि 20,000 से ज्यादा वोटों से मनोज कुशवाहा की जीत होगी, क्या लग रहा है ऐसे ग्राउंड पे देखी जा रही है? निश्चित रूप से आप जब घूमेंगे क्षेत्र में तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कुरहन्नी का क्या हाल है और बीजेपी के उम्मीदवार कोई बैठने नहीं दे रहा दरवाजे पर, यह हाल हो चुका है, कुरहन्नी की जनता तय कर लिया है कि घर नहीं तो वोट नहीं। चलिए भाई, तो कुरहन्नी की जनता तय की है कि घर नहीं तो वोट नहीं, नोट के बदले अब वोट नहीं, ये तय है कुरहन्नी में। क्या कुछ लगा तो हम ग्राउंड पर जाकर ये बता रहे हैं कि वाकई में जनता किसको पसंद कर रही है, कई लगभग एक दर्जन से भी ऊपर प्रत्याशी मैदान में है चुनावी किस्मत अजमाने के लिए। लेकिन टक्कर की बात की जाए तो सारे जो कैंडिडेट उनकी टक्कर से मनोज कुशवाहा से है, लेकिन कुरहन्नी की जनता क्या चाहती है, इनके पिछले कार्यकाल को कितना पसंद करते हुए फिर से मौका देती है, लगातार कुरहन्नी में घूम रहे हैं, जान रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि से बात कर रहे हैं, आप तक हर बात पहुंचा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे 3A नेशनल न्यूज नेटवर्क के साथ, मुजफ्फरपुर से सहयोगी संजीव के साथ विकास कुमार।